जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर, संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी, पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस है तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो।
जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मीक कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानामगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानामगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकी नंद दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई बीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद बीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए हैं। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टारर मेहूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए।
जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वहीं अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिल फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो
वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने के बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे।
दूसरी ओर रोहित पुरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सैनन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं। तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर
और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहां जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म की फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहां से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है।
मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माई रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए हैं। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वहीं अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं। तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना
अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहां जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वहीं वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर
राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त सती सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इससे कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए हैं। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सैनन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं, संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाड़ी के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ
नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यह इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहां जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं।
वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी डीप और संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाड़े के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर
दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है, जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर
हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानामगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानामगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म की फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकी नंद दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मेहूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं।
अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिल फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम, या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं। तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी, पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते हैं।
अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम, या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते है। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और
अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वहीं अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी, पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो
वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने के बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस है तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म की फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई बीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद बीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।
बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माई रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए हैं। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं। तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है
काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहां जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वहीं वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मालिक के बीच
सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इससे कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वहीं अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के USP है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज
भाई की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहां जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है।
बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई बीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद बीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। ऑसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गारे के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले, बिग बी, किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना
काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म में रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मीक कटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता।
फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकी नंद दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माया एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुँचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए हैं। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने का कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिल फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टार दिलवाले बिग बी
किमी काटकर स्टार हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी यह दूसरी फिल्म आपके सामने है, तो आपको यह फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग कतई का अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म के यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर से होती है। वीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराई से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है, जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी और देव मलिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़त के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यही से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्म रोमांटिक सीन्स को असरदारी बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने बस अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टार मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। ऑस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जिससे मजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शुरू गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हो तो अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। जाने शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले देखने से पहले फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करीब 21 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया,
तो ऐसी खबरें भी आई कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले, बिग बी की मी कटकर स्टारर हम, या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती कानमगारी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती कानमगारी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्म से बेशक ही अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपनी कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित के फिल्म में सैड सॉन्ग कतई अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजल की मुस्कुराहट के सीन समझ से परे नजर आते हैं। वही कॉमेडी के फिल्म में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा ने कॉमेडी सीन सकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झंझलाहट नहीं आने देते। वही बुल्गेरिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माए एक्शन सीन्स और कारों के रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात बीर से होती है। बीर का बड़ा भाई राज कार मैकेनिक काम कर डिजाइन है। बीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। बीर पहली नजर में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते है। दूसरी ओर राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई बीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले बल्गेरिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर और छोटे भाई बीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गेरिया में अंडरवर्ल्ड और बख्शी और देव मालिक के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली उसके साथ है, तो दूसरी ओर मालिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भीरत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। वहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपनी छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इस दोनों को आमने सामने कर दिया है और दूसरों के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही उनके बीच फिल्माए रोमांटिक सीन्स को असरदार बना पाए है। बल्गेरिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदार में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्म के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजल ने बस अपना किरदार को निभाया और भर दिया है। वरुण धवन के किरदार को देखकर शाहरुख स्टारर में हूना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यह जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वही वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कृति सानन पूरी तरह निराश करती है। अक्सर और अस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वही विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मुझे हुए कलाकार भी इस फिल्म में बेस्ट किया गया है। आसवर्ल्ड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनवा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजल के फैंस हैं, तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक और अंदाज में देखने की चाह में फिल्म देखना चाहते हैं,
तो आप अपसेट हो सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।